नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एवी आउटपुट के बारे में, डीवीआर की एवी आउटपुट हम कैसे लें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एवी आउटपुट होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारे पास वीजी आउटपुट होती है, एचडीएमआई आउटपुट होती है, और जो पुराने मॉडल्स हैं डीवीआर के उनमें एवी आउटपुट भी आती थी, जिससे कि हम चाहें तो अपने कैमरे को, सीसीटीवी कैमरा को, अपने किसी पुराने मॉडल के जो हमारा कलर टीवी है उस पर भी उसे देख सकते थे। तो ये जो हमें विकल्प है, ये जो ऑप्शन है, ये हमें पहले मिलता था डीवीआर में, बट आज की डेट में बहुत कम मॉडल्स ऐसे हैं जो आपको एवी आउटपुट के लिए जो है पोर्ट देते हैं। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, हमें कन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है एवी आउटपुट के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ दो तरीके बताऊँगा जिससे कि आप एवी आउटपुट ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप डीवीआर की बैक साइड में देखिए, आपको यहाँ ए आउटपुट लिखा दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, इसके जस्ट ऊपर आपको वी आउटपुट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम ये इस पोर्ट के थ्रू ही एवी आउटपुट लेते हैं। वी आउटपुट का मतलब ही यही है कि एवी आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ दो तरीके से मैं बात करूँगा कि कैसे हम जो है अपने कलर टीवी में, पुराने मॉडल के जो हमारे कलर टीवी हैं उनके अंदर हम कैसे सीसीटीवी कैमरा देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक सीसीटीवी वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सीसीटीवी वायर को ही हम एवी आउटपुट की केबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीसीटीवी वायर की केबल बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि सीसीटीवी वायर बनती कैसे है। तो फ्रेंड्स, मैंने कैमरे की जो वायर है उसी का इस्तेमाल किया है एवी आउटपुट लेने के लिए। दोनों साइड मैंने उसके बीएनसी कनेक्टर लगा दिए हैं। ओके, तो एक साइड जो है बीएनसी कनेक्टर की, वो आपके लग जाएगी डीवीआर की बैक साइड में, जो कि आपकी वी आउटपुट है, जहाँ से हमें एवी सिग्नल मिलेंगे। वहाँ पर जो है मैं इस बीएनसी कनेक्टर को जॉइंट मार देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, यहाँ से हमने एवी आउटपुट डीवीआर से ले ली है, और कलर टीवी के अंदर हम बीएनसी तो लगा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, ये उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड्स, ताकि जिनके लिए एवी कनेक्टर का इस्तेमाल करना जिन्हें नहीं आता, एवी कनेक्टर जॉइंट करना नहीं आता, तो एक छोटा सा कनेक्टर आता है इस तरह का, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, इसे आप बीएनसी के ऊपर जॉइंट मार दीजिए, तो ये बन गया आपका बीएनसी से एवी कन्वर्टर। अब आपको एवी कन्वर्टर लगाने की अलग से आवश्यकता ही नहीं है, और इस आउटपुट को आप अपने कलर टीवी के अंदर वीडियो सिग्नल के अंदर जो है इसे लगा सकते हैं और इनपुट ले सकते हैं। कलर टीवी में आपके सीसीटीवी कैमरास जो है बड़ी आसानी से, बड़े इजीली चल जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे तरीके की। सेकंड जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वीडियो आउटपुट यानी कि एवी सिग्नल लेने के लिए जो पोर्ट आता है डीवीआर में, वो जो है अब आने बंद हो चुके हैं। मोस्टली डीवीआर में आपको वो पोर्ट मिलेगा ही नहीं। तो ये तो मैंने पुराने मॉडल का एक डीवीआर यूज़ किया यहाँ पर, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ और आप लोगों को इजीली समझा पाऊँ। अब हमारे पास बची फ्रेंड्स एवी आउटपुट कैसे लेनी है, हमने पता चल गया आपको। अब यहाँ पर दो आउटपुट हैं, एक वीजी आउटपुट जो कि कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह में काम आती है, और दूसरी है एचडीएमआई आउटपुट जो कि हमारे काम आती है हमारी एलसीडी या एलईडी के अंदर हम उसकी डिस्प्ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम एचडीएमआई आउटपुट के थ्रू एवी आउटपुट जो है अपने कलर टीवी के अंदर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जरूरत पड़ती है एचडीएमआई टू एवी कन्वर्टर की। ओके फ्रेंड्स, तो एचडीएमआई टू एवी कन्वर्टर जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा, और ये पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एचडीएमआई टू एवी कन्वर्टर का आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसे चार्ज करना पड़ेगा, इसके लिए इसे पावर देनी पड़ेगी आपको। ओके, पावर देने के बाद ही ये कन्वर्टर जो है काम कर पाएगा। यहाँ पर जो है कन्वर्टर में आप एचडीएमआई सिग्नल जो है इनपुट के तौर पर देंगे और एवी सिग्नल जो है आउटपुट के तौर पर लेंगे, और इसे वर्क करने के लिए फ्रेंड्स इसे पावर की जरूरत पड़ती है, तो इसे मैंने यहाँ से चार्जर के थ्रू मैं इसे पावर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैंने एक एचडीएमआई जो है केबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, एचडीएमआई आउटपुट में डीवीआर के ये केबल लग जाएगी, और दूसरी जो साइड है वो साइड जो है
हम जो है AV कन्वर्टर में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी साइड भी फ्रेंड्स मैंने HDMI की यहाँ पर लगा दी है, और अब यहाँ से हम लेंगे AV आउटपुट। पावर हमने इसे दे दी है, पावर के थ्रू ये जो है कन्वर्टर चलेगा। काफ़ी सारे स्विच, काफ़ी सारे कन्वर्टर जो होते हैं उनमें चार्जर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पर जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अगर पावर नहीं मिलेगी तो आपका कन्वर्टर जो है काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं CVBS जो लिखा आ रहा है, इसके थ्रू हम जो है AV आउटपुट लेंगे। तो फ्रेंड्स आउटपुट कैसे लेंगे हम, हमें यहाँ पर एक AV केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। AV केबल यानी दोनों साइड उसके AV जो है कनेक्टर होंगे। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ AV केबल कैसे दिखती है। दोनों ही साइड उसके AV होंगे। एक साइड की जो AV है वो आपके HDMI टू AV कन्वर्टर में लग जाएगी, और दूसरी साइड जो है आप अपने कलर TV में लगा सकते हैं, और अपने CCTV कैमरा जो है वो आप जो है इजीली अपने पुराने मॉडल का जो आपका कलर TV है उसमें बड़े प्यार से आप इन्हें देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, जो कंप्लीट जो हमें करेक्शन करने हैं। अगर हमें कलर TV में अपने CCTV कैमरा देखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब के लिए ये पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई है। अगर इस पूरी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।